ये कुछ और है या उन्होंने बाद में गाया है, ओरिजिनल आपका है, मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तुम्हारा, तो उसके ये लिखा भी आपने है जी, तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया, तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफी वायरल वो हमारा ही है। और कॉपीराइट का भी कुछ इशू था कि आपने किसी नहीं, को नहीं नहीं कॉपी नहीं, हमारे पे ओरिजिनल है आपका? जी जी कोई कॉपी। दोस्तों हर हर शंभू सॉन्ग पर विवाद तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिस भजन को हमने सबसे पहले अबलिप्सा पंडा और जीतू शर्मा की आवाजों में सुना था, उस पर आज तमाम लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। अबलिप्सा पंडा हो, अच्युता गोपी हो या फिर फरमानी नाज, सभी ही इस गाने को अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट बता रहे हैं। और इस गाने पर सबसे ज्यादा कॉन्टेंशन तब पैदा हो गया जब सोशल मीडिया की बेहतरीन सिंगर फरमानी नाज ने भी हर हर शंभू भजन को अपना ओरिजिनल कंटेंट बता दिया। खुद का म्यूजिक है और खुद ही हम सिंगर हैं और अपना खुद का स्टूडियो हमने खुद ही सब कुछ अपने आप से करा। सो फ्रेंड्स, इन सभी विवादों के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लियरिफाई किए देते हैं। फ्रेंड्स, जब अबलिप्सा पंडा और जीतू शर्मा का ये भजन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो कुछ लोग इस गाने की टोन और उसकी तर्ज को अच्युता गोपी के सॉन्ग से कॉपी किया हुआ कहने लगे। वेल गाइस, आपको बता दे कि अच्युता गोपी जो कि एक श्री कृष्ण भक्त अमेरिकी महिला है, उन्होंने सबसे पहले हर हर शंभू की तर्ज से मिलता हुआ एक बहुत ही प्यारा श्री कृष्ण भजन गाया था। राजा माना राधे 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 गोविंदा, और कहीं ना कहीं हर हर शंभू को बनाने वाले जीतू शर्मा के इस भजन की टोन भी इनसे मिलती जुलती थी, जिसका कॉन्फेशन जीतू शर्मा ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके किया था कि इनके भजन हर हर शंभू की तर्ज और सिंगिंग स्टाइल अच्युता गोपी से ही प्रेरित थी, और उन्होंने ये गाना बनाने से पहले अच्युता से परमिशन भी ले रखी थी। लेकिन इसके बाद इस वायरल भजन पर सबसे ज्यादा विवाद तब सामने आया जब सोशल मीडिया की पॉपुलर मुस्लिम गायिका फरमानी नाज ने भी इस गाने को अपने स्टाइल में गाया और वो इस भजन पर अपना रियल कंटेंट होने का दावा ठोकने लगी। ये भजन गाने के बाद फरमानी नाज पर एक मुस्लिम महिला होने के कारण तमाम फतवे भी जारी होने लगे, जिससे फरमानी नाज और ज्यादा सुर्खियों में आ गई। और इसी श्रृंखला में फरमानी नाज ने एक न्यूज चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में हर हर शंभू भजन को अपना ही ओरिजिनल कंटेंट बताया। फिलहाल दोस्तों, फरमानी नाज और अबलिप्सा पंडा में से कौन सच्चा है और कौन झूठा और किसका है ये ओरिजिनल सॉन्ग, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वेल गाइस, जब न्यूज एंकर ने फरमानी नाज से पूछा इस गाने के पीछे की सच्चाई क्या है, किसने इसे पहले गाया है और हर हर शंभू रियल वर्जन किसका है, तो फरमानी नाज ने बताया कि हर हर शंभू सॉन्ग उनका ही ओरिजिनल कंटेंट है जो उन्हीं की टीम द्वारा लिखा गया है और सबसे पहले उन्होंने ही गाया था, और ये भजन किसी कारणवश उनके चैनल से डिलीट कर दिया गया था जिसे बाद में उनके फैंस के साथ शेयर किया गया। तो वो गाने की स्टोरी क्या है, क्योंकि उसमें कोई और सिंगर दिखती है, गाता हुआ कोई और दिखता है, ये कुछ और है या उन्होंने बाद में गाया है, ओरिजिनल आपका है, मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने है जी, तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया, तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफी वायरल वो हमारा ही है। और एक बार फिर जब एंकर ने इस बात को दोहराया कि इस भजन के पीछे कोई कॉपीराइट का इश्यू है, तो फरमानी ने एक बार फिर से वही दो टूक जवाब दिया कि ये भजन उनका ही ओरिजिनल है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है और इसकी म्यूजिक भी उन्हीं की है। और कॉपीराइट का भी कुछ इशू था कि आपने किसी नहीं, को नहीं नहीं कॉपी नहीं, हमारे पे ओरिजिनल है जी जी, कोई कॉपीराइट नहीं, खुद का म्यूजिक है और खुद ही हम सिंगर हैं और अपना खुद का स्टूडियो हमने खुद ही सब कुछ अपने आप से कर रखा उसमें। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करने वाली फरमानी नाज भी काफी अच्छी और पॉपुलर गायिका है, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं और ये सिंगिंग भी बहुत जबरदस्त करती हैं, तो सबसे पहले इनकी स्वीट वॉइस में एक भजन सुनना तो बनता ही है। मेरे दिल का हाल वो जाने मेरो शाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बावरे 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 बावरे, कैसे मैं कर लूं तुझसे आंखें चार रे।
दोस्तों फरमानी इससे पहले भी भजन और नज़में गाती आ रही हैं और कोई कलाकार या गायक तो अपने चाहने वालों की खुशी के लिए ही गाता है, इसलिए ऐसे किसी फतवे के जारी होने की धमकी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हर हर शंभू भजन ओरिजिनल कंटेंट किसका है, अब आप खुद ही इस गुत्थी को सुलझाइए और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल दोस्तों ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।